नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ तेज प्रताप। भारत दर्शन पार्क स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल से दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया गया वेस्ट टू वंडर पार्क जैसा काफी सुंदर पार्क है। पार्क लगभग 2 साल में बनकर तैयार हुआ और यह 200 आर्टिस्टों द्वारा बनाया गया है। पार्क सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है और यह सोमवार के दिन बंद रहता है। पार्क का जो इनॉग्रेशन है वो अमित शाह जी द्वारा 25 दिसंबर 2021 में किया गया। दोस्तों, पार्क को बनाने के लिए लगभग 350 टन स्क्रैप का यूज किया गया और इस जगह को बनाने की लागत लगभग 20 करोड़ बताई जाती है। अब आप पूरे भारत के फेमस और हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिल्ली में ही एक जगह पर देख सकते हैं। पार्क में टोटल 21 रेप्लिकास बनाए गए हैं जिसमें भारत के हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस शामिल हैं और इनमें एक बनियान ट्री भी बनाया गया है। आप पार्क में गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महल, कुतुब मीनार, ताजमहल, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, कोणार्क मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल आदि मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है। पार्क सुबह 10 बजे खुल जाता है और यहां पार्किंग आदि की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है। पार्क में लगभग 51 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 3 एलईडी स्क्रीन है और म्यूजिक के लिए डीजे भी लगाया गया है। यहाँ की जो पावर सप्लाई है वह पूरी तरह से सोलर प्लेट से आती है, तो यह पार्क पूरा सोलर एनर्जी से ही चलता है। पार्क देखने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर के वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं। आप पैदल या फिर यहाँ मौजूद बैटरी कार बुक करके पार्क घूम सकते हैं। इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं लगेगा, यह आपके टिकट के साथ बिल्कुल फ्री है। पार्क में कैमरा अलाउड नहीं है तो आप यहां सिर्फ मोबाइल से वीडियो या फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहां का जो टिकट प्राइस है एडल्ट्स का सुबह के टाइम 100 रुपए, इवनिंग और संडे के दिन 150 रुपए है। ऐसे ही 12 साल से कम के बच्चों की जो टिकट है सुबह की वो 50 रुपए और इवनिंग और संडे के दिन की टिकट जो है वो 75 रुपए है।
द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।